हरियाणा के युवा कल यानी 7 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर करनाल पहुंच रहे हैं, उनसे सवाल पूछने के लिए कि आखिर उनके लिए जो रोजगार हरियाणा में होना चाहिए था वो कहां है। लेकिन पता नहीं क्यों हरियाणा के युवा से हरियाणा के मुख्यमंत्री इतना डरते हैं, उनके सवालों से इतना डरते हैं कि उनके सवालों का सामना करने की बजाय अभी से हमारे कार्यकर्ताओं को हरियाणा भर में पुलिस की तरफ से धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं कि आपको कल प्रोटेस्ट में नहीं जाना है, आपको मुख्यमंत्री के आवास पे सवाल पूछने नहीं जाना है। जगह जगह पर पुलिस के ही साथी हमको ये सूचना दे रहे हैं कि हमको कल करनाल नहीं पहुंचने दिया जाएगा, रास्ते में पुलिस हमको रोक लेगी, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, युवाओं के सवालों से आखिर आपको इतना डर क्यों लगता है? आपने खुद ही तो कहा था कि साल 2023 में आप 50,000 नौकरी देंगे, हम उन 50,000 नौकरियों का हिसाब मांगने ही तो आ रहे हैं। आपके पास है तो वो हिसाब निकाल करके दे दीजिएगा, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नौकरी नहीं दी तो युवा को सवाल पूछने का अधिकार तो है, आज अगर जवाब देंगे तो हरियाणा के युवाओं को स्थिति स्पष्ट होगी। वरना हरियाणा का युवा तो ये ठान चुका है कि इस बार खट्टर हो या मोदी, वोटिंग रोजगार पे होगी।